हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस हमें फिर एक बार खजाना मिल गया पहले की तरह, आप जानते हो गाइस। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जाते हम बात करेंगे। अच्छा जरा इधर को जा। हाँ देखो भाई साहब, कितनी सारी चीजें काम की भाई हमारी मिलने वाली है इसके अंदर। भाई पुली हो गई, मोटर हो गई, स्प्रिंग हो गई, भाई यकीन मानिए भाई मजा आ जाएगा। इतने सारे पार्ट हमारे काम के, गाइस आप काम के भी है। और वहाँ पे मैंने लाइट जला दी है, तो जो धूल मिट्टी ना वो उड़ती हुई आपको दिखाई दे रही होगी वीडियो पर। ये रहे डबल वाले, पूरा पूरा गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम, और ये एसी वेंटिलेटर वाला, सारे गाड़ी का पार्ट है। और ये डिब्बी कैसी है, इस पे क्या लिखा है, काला अक्षर भैंस बराबर। बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पर भाई। एसी के स्विच देखिए, ये फैन स्पीड बढ़ाने का, और भाई ये रहा आई थिंक कूलिंग का और हीटिंग का, और इसके पता नहीं, इसे एक बार बैक साइड से देखते हैं। इसमें भाई तो गियर वगैरह, ये गियर काम करता है, और इसको तो भाई साहब जानते हैं तरीके से ये क्या है। और ये क्या है, ये भाई साहब टाटा स्काई, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको हमने नहीं लगा डाला तो लाइफ हमारी झिंगा लगा। वाह क्या शेर सुनाया है यहाँ पे यार, चढ़ना भी बड़ा मुश्किल काम है भाई। मैं आपको एक बंदे से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, केजन भाई, बहुत बढ़िया। ये हमारे कैमरामैन बने आज, और कोई भारी तो ढंग है आया था नहीं, कोई हल्का था ना, इसके अंदर तो सीढ़ी भी लग रही है भाई। भाई उठाओ फटाफट, कोई भारी था ये रहा, ये तो भाई खिंच भी नहीं रहा, एक ये रहा। ओ भाई, ओ भाई ये क्या मिल गया, ये मस्त है भाई जो बात है। और इसमें यहाँ पर डिस्प्ले लग रही है, और यूएसबी कुछ स्विच है इसमें लगा हुआ, और उसमें काफी सारे सॉकेट हैं ऑडियो वीडियो के। भाई अभी तो मैं इसे लेके जा रहा हूँ, और हमारे जो ओनर है साथ भाई इधर काम कर रहे हैं, और ये बताएंगे कि ये हमें देने की आग क्या कहना है यार, सन्स की ज्यादा होगी, वो देते हैं नहीं देते हैं उनसे पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। तो भाई एक तो ये हो गया। वैसे भाई यहाँ पे बहुत सारी काम की चीजें हैं, आप खुद देख सकते हो एक बार। और भाई हमने निकाला ये सोनी का है, एक ये रहा बॉस काफी भारी, और ये डबल वाला है, इसे भी लेके चलते हैं। पसीने देख सकते हो भाई कितने पसीने आ गए, बहुत गर्मी हो रही है बॉस अंदर, भाई देख सकते हो कितनी भपका हो रहा होगा। यहाँ सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं यार, मैं तो यार चुपचाप ले जाने वाला थे, तो भाई वो ना बताएंगे जी भाई था। तो गाइस देखो मैंने कहा था ना सारी चीज फ्री मिलती है, भाई का फोटो लो एक बार हंसते हुए। तो भाई यहाँ पर लाइट जली हुई है, और पसीना आप देख सकते हो बॉस। वैसे मैंने पोछ लिए कपड़े से, देख सकते हैं शायद गाइस आपको, हमारा कैमरा बताएंगे दिख गए। हाँ तो दिख गए, क्योंकि गाइस हम नहीं देख सकते, मतलब वैसे देख सकते हैं लेकिन भाई हम कैमरे में नहीं देख सकते जब तक वीडियो एडिट ना हो। तो गाइस बताओ कौन सा खोला पहले, ये वाला। ये वाला तो भाई आपके मन में भी कुछ सवाल आ रहे होंगे, चलो गाइस फटाफट भाई पहले हमारा काम है इस पर कपड़ा बांधना। इसके अंदर भाई ये डिस्प्ले है, और आई थिंक ये टच होगी पक्का, क्योंकि इसमें ज्यादा बटन है नहीं भाई, ज्यादा खोलना बड़ा केड़ा काम यार, मतलब इसमें इतने सारे स्क्रू होते हैं भाई, जो स्क्रू कहीं भी नहीं मिलते ना। लेकिन मैं गाइस हम ऐसे से प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो भाई हमें कभी कभी मोटर में स्क्रू लगाने पड़ते हैं, या छोटे छोटे स्क्रू चाहिए, तो भाई इसमें से मिल जाते हैं। पुली हो गई, कुछ मोटर हो गए, तो भाई खोलने के लिए इसे स्क्रू ड्राइवर यूज नहीं करेंगे, बल्कि ड्रिल मशीन का यूज करेंगे। तो चले गाइस फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब यह लॉक लग रहे हैं यहाँ पर, ओह ये खुल गया, अरे वाह छोटा तो मेरा, ये हट गया भाई, ये रहा पूरा का पूरा सिस्टम। देखो गाइस इंडक्टर कैपेसिटर, ये रेगुलर ट्राइस ही है, अब इसे भी खोल के देखते हैं भाई, इसके अंदर है डिस्प्ले। तो भाई साहब पेच की तो ऐसे भरमार है, जो स्क्रू होते हैं ना कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ कहाँ से, जहाँ से उम्मीद नहीं गई वहाँ से भी निकलते हैं। चलो लोंडो खुल जाओ, मैंने बहुत सारे पेच खोल दिए, देखो गाइस ये पड़े कितने सारे स्क्रू भाई साहब, अभी से ही अभी पूरा खुला भी नहीं है। भाई ओ भाई कितनी भारी डिस्प्ले लग रही, छोटी सी भाई, कितना लंबा लगा रखा है भाई इसका जो कनेक्टर है सॉकेट में। देखो भाई साहब क्या मस्त डिस्प्ले, इसे भी खोल के देखें अंदर से, इसे भी खोल के देखते हैं। ओ भाई इतना लगी होगी, ओ भाई साहब देखो कैसा मिरर है भाई, मिरर की तरह काम कर रहा है ये रेमन भाई, बाप रे। तो भाई और इसे निकाल के देखें, आज तो भाई ये गई, हमारा हाथ लग गया ना। देखो भाई ये डिस्प्ले, ये इसके अंदर फिल्म लग रही है कुछ, कितने सारे लेयर है, आई थिंक गाइस इसमें लाइट जलती होगी, देखते हैं चलाकर, देखे चलेगी नहीं चलेगी, चला कर देखते हैं वरना ये बार बार चल जाएगी। नहीं चल रही है, नहीं चल रही, पावर सप्लाई से देखते लगा के देखते हैं भाई चलाकर। ओ चल गई। देखो भाई ये बढ़िया था करो, देखिए नीचे इसके एलईडी स्ट्रिप लग रही है, नीचे देखिए नीचे चल रही है सारी डिस्प्ले। अभी थोड़ी मैंने लाइट जो वोल्टेज है कम कर रखे हैं, मैंने 9 वोल्ट कर रखे हैं, मैं 12 वोल्ट कर देता हूँ पूरी। देखो भाई फुल ब्राइटनेस, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, कितनी तेज लाइट है भाई देख, बिल्कुल इक्वल लाइट मार रही है। ओ भाई नीचे से एकदम से गर्म हो गई, ये चीज तो कैसे हम रख लेते हैं है? वैसे मैंने भाई से कह दी थी कि भाई जो हम रखेंगे वो हम रख लेंगे, कह रहे थे भाई के रख लो।
गाइस मैंने इसे बिल्कुल ऐसा लगा दिया जैसे ये लगा हुआ था। तो भाई ये वाला पार्ट तो हो गया बिल्कुल नंगा, हमने कर दिया था। अब आते भाई सर इसके अगले पार्ट पर, इस पर के अंदर क्या क्या माल है इसके देखेंगे। हाँ ये खुल गया, अब ऐसा सर यहाँ भी लगा एक स्क्रू, स्क्रू के तो भाई कमी नहीं है, फ्री में आ रहे हैं। तो भाई खुल जा, बोर्ड ही तो नहीं लगाएंगे भाई हम, जैसी लगी लगी, क्या फिनिशिंग है बॉस, कैसे तारे सी दिखाई दे रहे हैं सारे जमीन पर। ओ भाई ये तो नीचे गिर गया, ये है भाई हमारे काम का। चलो भाई इसे खोलिए जो तो है नहीं, देखिए ये पूरी हीट सिंक है एल्युमिनियम की, ये फ्यूज लग रहा है इसमें 10 एम्पीयर का, इसे रखते हैं साइड, तो फटाफट से खोल लेते हैं। ये रहा भाई इसके अंदर हमारे जो काम की गाइस, देखिए ये मोटर है, ये गियर मोटर है, ये शाफ्ट पे 30 बनी हुई चूड़ी बनी हुई है, और ये रहा लेंस, ये देखिए ऐसे आगे भी जाएगा, छोटा सा नन्ना सा स्विच। ये ट्रॉली की गाइस हमें बहुत जरूरत पड़ती है, सॉरी ट्रॉली नहीं है ये पुली है, मतलब ये पूरी की पूरी ट्रॉली कहलाती है, ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये पूरा मैकेनिज्म है, ये ट्रॉली कहलाती है जिसे हम ट्रॉल कर देते हैं, इसकी जरूरत पड़ती है हमें इस पुली की। ये यार ऐसे नहीं निकलेगी, और ये टेढ़ी होगी क्या भाई, टेढ़ी होगी, ये काम की नहीं हमारे, टेढ़े ना ये इसका जो ना ये टेढ़ा हो, ये जो ना ये टेढ़ा, ये टेढ़ा लग रहा है, ये जो रिंग है ना मैंने देखो, जरा एक मोटर जरा, एक मोटर जरा, और भाई एक मोटर जरा मक्खन सबको निकालते हैं फटाफट। क्या मस्त शाफ्ट लग रही है वो, छोटी सी नन्नी मुन्नी थी, देखो भाई बेहतरीन चीज है। ये रहा लेस, इसका कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे बाद में, इसकी हमें जरूरत नहीं है, और इस मोटर को हम रख लेंगे, बड़े पहलवान पहलवान वायर लग रहे हैं भाई, और इस मोटर को हम नहीं निकाल लेंगे क्योंकि पुली गड़बड़ कर रही है, एक मोटर ही वाला निकाल लेंगे, इतनी सी बैल लग रही है, छोटा सा छल्ला। ये बड़ी दिक्कत है भाई, ये लात बहुत है, बात से नहीं मारेंगे, पूरा मकान खोलना पड़ेगा। ये रहा मस्त। चलो भाई अभी तो फटाफट ऐसे लगाते हैं, और इसमें से कुछ गियर भी निकाल लेते हैं पहले, है ना, जिनका इस कभी हमारे प्रोजेक्ट में गियर काम है। A few moments later. तो गाइस मैंने इसे जैसा लग रहा था ऐसे लगा दिया है, वरना ब्लॉक बहुत लंबा हो जाता है, और भाई इसका लग जाएगा आगे, ये अगर हमसे लग जाए तो लग जाएगा, हमने पहले यहाँ पे स्विच लगा दिया, ये बढ़िया था करो। ये गाइस बिल्कुल ऐसा हो गया है कि भाई देखिए हमने इसे खोला ही नहीं होगा ना, वैसे भी खोल रखा है, नीचे से ऊपर से लगा दे। तो गाइस ये मैंने बिल्कुल कंप्लीट लगा दिया है, और भाई पहले बार गाइस मैंने तोड़ के इसे ठीक से लगा दिया है, और भाई जो हमारे कवर वाले भैया ना बुरा नहीं लगेगा कि हमारे तोड़ के लिया, वैसे वो कुछ कहते नहीं है, वो तो कह रहे भाई लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि दूसरे बंदे को हम ठीक से चीज करके दे। ठीक है अब दूसरे पर आते हैं, लाना भाई उठा के फटाफट, इससे भारी है ये भाई, इससे भारी है। ओ भाई इसमें तो सील भी लग रही है, देखो एरी ये गई भाई, देखिए सब चाइनीज में लिखा है, अभी तक गाइस ये खुला नहीं अंदर से, देखो इसकी सील बिल्कुल रुकी हुई है। भाई पहले इसका फंक्शन देख लेते हैं गाइस, इसमें भाई डायरेक्ट आई थिंक कार्ड लग जाता है, ऑक्स और वॉल्यूम, क्या मजा आ रहा है, वाह वाह जिंदगी सुधर गई मेरी तो। और ये वॉल्यूम होगा, ट्यूनर होगा, स्विच बढ़ जा भाई ये रे, और इसकी बैक साइड में ज्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे कनेक्टर लग जाएंगी सॉकेट में। चले गाइस फटाफट से खोलते हैं, बताओ ये स्कोडा कंपनी का है, वो पहले हमने खोला था सोनी का, ये स्कोडा है, ज्यादा चपड़ चपड़ नहीं करके फटाफट गाइस खोलते हैं। फाइनली ये खुल गया है, देखो कंपनी का फर्क है। ओ भाई आई थिंक इसके अंदर सारा का सारा सेम टू सेम वही मैकेनिज्म है, देख रहे हो गाइस सब कुछ वही है इसके अंदर, भाई मुझे बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं लग रहा। देखो गाइस वही ट्रॉली है, इंडक्टर आपको चमक रहा, वही किट है बिल्कुल, देखो किट भी गाइस बिल्कुल सेम है। इसका अगर पैनल है खोलेंगे तो इसके अंदर स्विच निकलेंगे, ये डिस्प्ले छोटी सी है ऐसी ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो भाई इसे खोलने तो कोई फायदा नहीं होगा, इसके अंदर भी सेम वो है, इसके अंदर सेम वो है। तो गाइस फटाफट से लगाते हैं, इसे खोलने का मतलब नहीं बनता, वरना गाइस वीडियो लंबी हो जाएगी, और आपको समर एक चीज दो बार दिखा रहा है, शर्म नहीं आ रही, देखो आ रही है। चलो भाई ओ यहाँ पे अलग से कार्ड लग रहा है, निकल जाएगा, इसके अलग से डिब्बे लगा रखी है। ओ ये मेमोरी कार्ड लगाया है, अलग से कार्ड लगाते हैं ना, ये निकलेगा नहीं ससुर का नाती। चलो क्या तो भाई इसे फटाफट लगाते हैं, चलो भाई साहब फटाफट इसे अब वापस देने चलते हैं, जहाँ से ले गए थे वहीं पर कराएंगे। तो भाई आप जानते हो मैं खुद ले लूं, परचेस कर लूं, तो भाई मेरे पास इतना मतलब इतना सारा सामान हो जाता है, भाई मैंने गैराज खरीद रखा उसमें मैं डालता रहा, तो भाई वही भरा पड़ा है, हमारे स्टूडियो भरा पड़ा है, जो हमने स्टोर रूम में रहता वो भाई सब सामान से भरा पड़ा है, छत भी भरी पड़ी है भाई, मैंने टायर शायद दुनिया का डाल रखे ऊपर। तो गाइस मेरी मजबूरी हो जाती है कि भाई मैं ना लाऊं ना, वैसे गाइस देखते हैं वो कितने मांगे, वैसे गाइस वो पैसे नहीं मांग रहे, साइड मांगकर मैं गाइस कुछ ना कुछ पैसे जोड़ दूंगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि भाई हम चीज कैमरे पर नहीं दिखा सकते, हर चीज कैमरे पर दिखानी भी नहीं चाहिए। ठीक है तो चले गाइस फटाफट चलते हैं। भाई साहब तो गायब हो गए, तो मैंने अंदर रखना, ठीक है प्यार से रखने का है ना।
वैसे गाइस इन्होंने कुछ प्यार से नहीं रखा होगा, सब कुछ दिख रहा है साफ साफ, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम चीज को सही से लेकर जाएं और सही से रखकर जाएं भी। अभी मैं गाइस इसमें से ले गया था एक बोतल स्टेलाइजर था, इसको मैं कह रहा था मैं खाली करूंगा, ये तो ऑटोमेटिक में खाली कर दिया। तो फ्रेंड्स फिलहाल तो साथ भाई आई नहीं, जब वो आएंगे तो उनसे हम बात कर लेंगे। मोन्टे का फोन आ रहा है बार बार। तो गाइस आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा दोस्तों, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और गाइस जो बताइए ये व्लॉग आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।